फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल लाइफस्टाइल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमने जो कारवां एनसीईआरटी सीरीज़ का स्टार्ट किया है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है ये है चैप्टर 3, जो कि है आरंभिक नगर। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले दो बच्चों की तस्वीर दी गई है, जिसमें एक का नाम है जसपाल और दूसरे का नाम है हरप्रीत। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूथा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिसे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो हड़प्पा वाला जो पुरास्थल है वह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसमें ये कहा गया है, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि पुरानी इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व है तो उन्हें अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए, परंतु जिन इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है और वे जीर्ण शीर्ण या जर्जर हो चुके हालत में हैं तो उन्हें तोड़कर नई इमारतें बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो फिर अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले इस पेज में जो मानचित्र है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो मानचित्र दिया गया है वो किस चीज़ के बारे में है? तो वो है उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर के बारे में। यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से आरंभिक नगर है इस उपमहाद्वीप पर। उपमहाद्वीप क्या होता है इसका डेफिनेशन हम लोग इसके पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप पीछे वाला जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी किताब को पलट करके देख लें। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आरंभिक नगर हैं। इसमें सबसे पहले है हम लोग पाकिस्तान में जो भी आरंभिक नगर मिले हैं उस
को हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग भारत में जो आरंभिक नगर है उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है सोतकाको, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, गवेरीवाला और हड़प्पा। ये सारे जो पूरा स्थल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में जो पाए जाने वाले पूरा स्थल है वो कौन कौन सा है, तो उसमें आएगा सबसे पहले राखी गढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोतदा और लोथल। ठीक है, यहाँ पे हमने साइट्स तो देख लिए, लेकिन इस पे कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरीके से बन सकता है कि वो आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि क्या मोहनजोदड़ो वाला जो पूरा स्थल है वो सिंधु नदी पे अवस्थित है या नहीं। इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कीजिए या फिर यह कथन सही है या गलत वो बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आपको आप इस मानचित्र को ध्यान से स्टडी नहीं करेंगे तो आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मानचित्र को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं मानचित्र में ही कि मोहनजोदड़ो और ये जो चनहूदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। उसी तरीके से हड़प्पा जो है वो कौन से नदी के किनारे है, तो वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर लोथल की, तो लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे है। इसी तरीके से बाकी साइट्स कौन कौन सी नदी के किनारे है उसका भी आप एक लिस्ट बना करके आप उसको याद कर लेंगे। फिर इसमें क्वेश्चन और भी दूसरे तरीके से बन सकता है, जो कि ऐसा है कि आपको साइट्स क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है और उन्होंने लिख दिया कि इसको नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में सजाएं, या फिर ऑप्शन में साइट को उन्होंने अरेंज करके दे दिया हो और उसमें से कौन सा सही क्रम है आप उसको चुने। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करें तो ये ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इस साइड हो गया ईस्ट और इस साइड हो गया वेस्ट, है ना। तो अगर वेस्ट टू ईस्ट बोले तो हमें ये वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट के हिसाब से पूरा स्थलों को अरेंज करना पड़ेगा। अगर नॉर्थ टू साउथ बोले यानी कि ऊपर से नीचे, एक उत्तर से दक्षिण की ओर किस तरीके से हम साइट्स को क्रमवार अरेंज कर सकते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन इस मैप से बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया, और अब ये आपका काम है कि आप इसको किस तरीके से स्टडी करेंगे। इसका आप एक चार्ट या टेबल बनाकर आप उसको कंठस्थ कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है इन नगरों की क्या विशेषता थी। अच्छा, ये इससे पहले हम ये मानचित्र के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हमने नहीं देखा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये आधुनिक नगर कहाँ थे, तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। ठीक है, इन सभी पुरास्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। ठीक है, पत्थर के बाट, बाट कहने का मतलब तोड़ने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे बाट कहा जाता है। मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। ठीक है, तो ये सारे भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी आप लिस्ट बना करके एक जगह
लिख कर याद कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फीचर तो यही हो गया। इसमें प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो पश्चिमी भाग था वो कैसा था, वो छोटा था एरिया में लेकिन वो हाइट पे बना था, और जो पूर्वी हिस्सा था वो क्या था, वो बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने किस चीज़ की संज्ञा दी है? तो नगर दुर्ग की, और निचले हिस्से को उन्होंने निचला नगर कहा है। ठीक है, दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों को इतनी अच्छी तरह पकाया गया था कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ठीक है, तो ये जो पहला है इसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ये हड़प्पा सभ्यता में मिले, इमारतों नगरों की कही गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब। ठीक है, तो मुझे लगता है इस पैरा में मोहनजोदड़ो में जो खास तालाब बनाया गया था यहाँ पे उसकी विशेषताओं का बखान किया गया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है इसके बारे में, कि ये जो खास तालाब था उसका उन्होंने क्या नामकरण किया, तो महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात की गई है कालीबंगा और लोथल की। उसको पहले हम लोग मानचित्र में एक बार देख लेते हैं कि कहाँ है कालीबंगा और लोथल। ये रहा कालीबंगा और ये रहा लोथल। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट भी देख रहे हैं जहाँ पर कहा गया है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल कहाँ गया? ये रहा हड़प्पा, ये रहा मोहनजोदड़ो और ये रहा लोथल। ठीक है, तो इन तीनों जो नगर है, इन तीनों नगर से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो बड़े बड़े भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं, ग्रेनरी जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज में है, सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है महान स्नाना
गाल का, जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्रेट बाथ कहते हैं। इसके बारे में हमने अभी क्या क्या पढ़ा उसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो महान स्नानागार है इसमें दो साइड से सीढ़ियां हैं, इस साइड से भी है, इस साइड से भी है, ठीक है। और फिर इसके चारों ओर हम देख सकते हैं कि कमरे बने हैं, ठीक है। अब इस स्नानागार की क्या विशेषता है, तो इस स्नानागार की ये विशेषता है कि ये पक्की ईंट से बना हुआ है और इस पर प्लास्टर भी किया हुआ है, ठीक है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए ये जो स्नानागार है इस पर उन्होंने चारकोल की एक लेयर भी चढ़ाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसमें पानी भरना है तो वो पानी कहाँ से लाते थे, तो वो कुएं से लाते थे। और फिर उसके बाद उपयोग करने के बाद इसको वो लोग खाली भी कर देते थे, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्नानागार है तो ऐसा माना गया है, पुरातत्वविदों ने इसको समझा है कि यहाँ पर विशिष्ट लोग विशेष अवसर पर स्नान करते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अब तक पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो पिक्चर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ठीक है। ये जो ईंट है इसके बारे में कहा गया है कि कैसे वो करते थे। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आम तौर पर एक या दो मंजिले होते थे, ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। यहाँ पे आंगन का को देखिए, यहाँ पर स्ट्रेस दिया गया है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उस वक्त मतलब आंगन का प्रचलन हुआ करता था, लेकिन आजकल जिस तरीके से इमारतें बन रही हैं आंगन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और आप लोग भी जानते होंगे कि भारत अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, मतलब मोस्ट पॉपुलस कंट्री पूरे संसार का बन चुका है। तो उस वजह से लैंड प्रेशर भी ज़्यादा है और उसके वजह से अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अपार्टमेंट बनने लगे, तो फिर आंगन हमें कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है हड़प्पा के नगरों के बारे में, कि हड़प्पा के नगर में जो भी घर मिलते थे वो आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, ठीक है, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर नगर की विशेषता बताई गई है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, जैसा कि हम जानते हैं कि पानी के बहने के लिए उसमें ढलान यानी स्लोप की जरूरत होती है, और पानी कैसे बहता है ऊपर से नीचे की ओर। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नाली में भी हल्का ढलान रखा था जिससे पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, ठीक है। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, तो मेन होल, ठीक है, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई दो अंतर बताओ। नगरीय जीवन, इसमें भी सबसे पहले हम लोग इस पेज में जितने फोटोग्राफ्स हैं उसको हम लोग पहले देख लेते हैं।
क्या कहा गया, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, और फिर उसके बाद एक कुआं, यहाँ पर एक कुएं की तस्वीर दी गई है, और इसके ऊपर जो फोटो है ये किस चीज़ का है, तो इसमें सड़क है और सड़क के किनारे ये नाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीचे जो दो तस्वीरें दी गई हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसमें से क्या है। एक जो है वो मोहर है, ठीक है, ये क्या है, एक मोहर है जिसे एक खास लिपि में लिखा गया है। लोग देख सकते हैं कि ये जो मोहर है, मोहर का जो ऊपरी हिस्सा में है उसी में किसी खास लिपि में कुछ इसमें वर्णित किया हुआ है, ठीक है। और इसमें मोहर में नीचे जानवर की तस्वीर भी बनाई गई है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण, हम कह सकते हैं कि मुहर पे ये जो भी चीज लिखा हुआ है ये उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है, ठीक है। और इसके बगल में भी एक तस्वीर है जिसमें लकड़ी के खिलौने बने हुए हैं। खिलौनों से करने का मतलब है कि इसे बच्चे खेलते होंगे, ठीक है। लकड़ी के नहीं है ये, किसी इसके पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, ठीक है। इसलिए ये पक्की मिट्टी के बने होने के कारण ही ये खिलौने जो है वो आज तक टिक पाए और हमारे पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान मिला, जिससे कि हमें पता चलता है उस वक्त के लोग क्या सोचते थे, उनका नजरिया क्या था, वो क्या करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो इस पेज में पिक्चर है हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहले ये जो पिक्चर है ये किस चीज का है, तो ये पिक्चर है पत्थर के बाट का। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है, इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। किस चीज से बनाया गया था, तो चर्ट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा, ठीक है। तो वो पत्थर के बाट से क्या करते थे, या तो वो बहुमूल्य पत्थर यानी कि पीसे स्टोन, या फिर धातुओं को तोड़ने के लिए उसका वो प्रयोग करते होंगे, ठीक है। आगे आते हैं, मध्य में बाय मन के। ये जो पिक्चर है ये किस चीज का है, तो ये मन को का है। इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे, ठीक है। पत्थरों को काट कर और तराश कर मन के बनाए गए। यहाँ पर मन के बनाने की विधि बताई गई है कि उसको कैसे बनाया गया है, तो पत्थरों को काट कर और तराश कर मन के बनाए गए। उनमें उन्हें क्या कर दिया गया, बीच में छेद कर दिया गया और फिर उससे धागा डालकर माला बनाया गया, ठीक है। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक। यहाँ पर जो पिक्चर है वह है पत्थर से बना हुआ धारदार फलक का, ठीक है। नीचे भी कुछ क्या है पिक्चर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इंसान की मूर्ति है जिसने एक कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति। ये जो मूर्ति है वो किस चीज से बना है, तो ये मूर्ति पत्थर से बना हुआ है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है।
इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है, ठीक है। और भी इसमें हम देख सकते हैं, इस पिक्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसमें भी इस मूर्ति को आपको स्टडी करना जरूरी है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इम्पोर्टेंट पर्सन है या प्राइस्ट है, जो भी है, ठीक है, तो इसने जो ये वस्त्र कढ़ाई वाला पहन रखा है वो कौन से कंधे के ऊपर से वस्त्र ओढ़ रखा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये किस चीज़ का बना है, तो अभी हमने देखा कि ये पत्थर का बना हुआ मूर्ति है ये। और फिर इसके बाद और क्वेश्चन क्या बनेगा, ये हमें कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला। अब ये इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जो मूर्ति है पत्थर का, इसमें जो इसकी आंखें हैं वो कौन सी मुद्रा में, क्या पूरा खुला हुआ है या आधा खुला हुआ है, क्या है, कैसा है। और इसमें ये इनका जो फेस पे फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसा है, तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे और इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर क्या है, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी, ठीक है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। एक ये भी पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, तो यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या क्या थे, तो मनके, जाट और फलक, उनको हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो इसमें बात किया गया इस पैरा में वो मूर्तियों के बारे में बात किया गया, क्या कहा गया कि हड़प्पा के लोग पत्थर की मूर्तियां बनाते थे। मूर्तियां किस चीज की बनी होती थी, तो पत्थर की। इनका आकार कैसा होता था, तो आयताकार, ठीक है। और इन मूर्तियों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, जो कि हमने अभी देख लिया। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, देखो पृष्ठ 61, आप पेज पलट करके पिक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे मूर्तियों के बारे में क्या कहा गया है कि ये जो मूर्तियां हैं ये भी किस चीज की बनी थी, तो ये भी पत्थर की बनी थी। ये खिलौने भी किस चीज के बने थे, ये खिलौने पक्की मिट्टी के बने थे, ये पक्की मिट्टी का बना हुआ है, और ये मोहर जो है ये पत्थर का बना हुआ है। इसमें मोहर के बारे में क्या कहा जा सकता है कि इसमें मोहर में ऊपर में किसी खास लिपि में कुछ उन्होंने वर्णित कर रखा था, नीचे उन्होंने जानवर की तस्वीर बना रखी थी, और ये जो मोहर का जो शेप है वो कैसा है, तो वो आयताकार है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था, क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, क्या होती थी, तो कपास की खेती। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कपास के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से, और वो भी कितने साल पहले का, वो 7000 साल पहले का, तो आप समझ सकते हैं
कि यहाँ पर जिस तरह से कपास के साक्ष्य मिले हैं उससे हम कह सकते हैं कि 7000 साल पहले उन्हें वस्त्र बनाने का ज्ञान था, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो पत्थर की मूर्ति बनी हुई है इसमें हमने कढ़ाईदार वस्त्र पे जो कढ़ाई की हुई है उसको हम देख चुके हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। तो हमें जो ये कपड़ों का साक्ष्य मिला है, हमें कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला तो वो मेहरगढ़ से मिला, लेकिन कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला तो वो मोहनजोदड़ो से मिला, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कपड़े के जो टुकड़ों के रिमेन्स है, अवशेष है, वो हमें कहाँ से मिले हैं तो वो चांदी के फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पक्की मिट्टी तथा फैन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इसके अलावा हमें पक्की मिट्टी तथा फैन से बनी तकली भी मिली है, जिससे कि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वे सूत कताई भी करते होंगे। ठीक है, तो ये भी पहला बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ किसको कहते हैं? तो विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। ठीक है, पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, जो कि हम लोग इसके ऊपर वाले पेज में देख चुके हैं। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? कि ये जो मूर्ति है इसे किसने बनाया होगा कि तो किसी विशेष विशेषज्ञ ने बनाया होगा ना, विशेष मूर्तिकार ने बनाया गया होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से इस मूर्ति को बनाया था। ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, हमें यह पता नहीं है। क्या पता नहीं है? कि सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। ठीक है, इसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है कि दोनों पुरुषों और औरतों में से भी कुछ लोग इन सारे कामों में अपना हाथ बटाते हों, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे कहा गया कि शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, निपुण थे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि फेयंस किसे कहते हैं। फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेयंस को कैसे तैयार किया जाता है? तो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। उसको बनाने की विधि क्या है? तो उसमें उसको किस तरीके से बनाया जाता है? तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ बनाने का तरीका दिया हुआ है। फिर उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, फेयन से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमें टोटल 3 पॉइंट मिलता है, 3-4 पॉइंट जो कि फेयंस के बारे में कहा गया है। इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है? कि फेयंस को वो लोग आर्टिफिशियली तैयार करते थे। दूसरा पॉइंट हुआ उसका बनाने का विधि, क्या है विधि? कि भालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाते थे। ठीक है,
तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया कि उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाते थे और वो जो चिकनी परत होता था उसका रंग कैसा होता था, तो प्रायः नीले या हल्के समुद्र हरे रंग का होता था। उनसे कौन कौन सी वस्तुएं बनाते थे, ये हो जाएगा हमारा चौथा पॉइंट कि वे फैन से मन के चूड़ियां वाले और छोटे बर्तन बनाते थे। ठीक है, कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल है। पहला एग्जांपल हो गया कच्चे माल का। ठीक है, इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है, मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास, कपास भी हम लोग कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल, पहला एग्जांपल ये रहा, दूसरा एग्जांपल ये रहा। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। दोस्तों आगे के पैरा में दिया होगा कि ये सारे जो बहुमूल्य पत्थर और बाकी जो धातु है जैसे कि तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये कहाँ कहाँ से हमें वो लोग आयात करते थे, इसकी जानकारी हमें आगे मिलेगी, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक है, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान, ठीक है, ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो यहाँ पे जो तांबा है वो कहाँ से आयात करते थे, राजस्थान से और ओमान से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कासा की बात किया गया कि क्या कह रहा है, कासा बनाने के लिए कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती थी। एक हो गया तांबा और दूसरा हो गया टिन। तांबे के बारे में तो हमने देख लिया कि तांबा कहाँ से मिलता था, तो राजस्थान और ओमान से। ठीक है, और अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे किसका, टिन का। तो यहाँ पे टिन को जो वो आयात करते थे वो कहाँ से करते थे, तो ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सोने का बात किया गया कि सोने का आयात वो कहाँ से करते थे, तो कर्नाटक से करते थे। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से करते थे, तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। तो यहाँ पे इस पैरा से टोटल कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि तांबा का आयात कहाँ से करते थे, तो राजस्थान और ओमान से। टिन का आयात कहाँ से करते थे, तो वो ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात कहाँ से करते थे, तो वो कर्नाटक से करते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से करते थे, तो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। और जो 5वां क्वेश्चन है वो ये बनेगा कि कासा जो बनता है वो किस चीज़ के मिश्रण से बनता है, तो वो तांबे और टिन के मिश्रण से बनता है। तो ये पैरा बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पिक्चर देख लेते हैं। चित्र को एक जगह से, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी तरफ मुँह है। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। यहाँ पे जो सबसे पहले जो ये इमेज है, तस्वीर है, ये किस चीज़ का है, तो ये खिलौना का है। और ये किस चीज़ का तस्वीर है, तो ये मुहर का है। ठीक है, इसको देख के हम क्या पता कर सकते हैं कि वो लोग यातायात के लिए किस तरीके के साधन यूज़ करते थे। तो यहाँ पे ये बुल्लक कार्ट जैसा दिख रहा है हमें, कोई खिलौना, इसमें पहिए वगैरह लगे हुए, तो संभवतः इस तरीके के यातायात के साधन का प्रयोग वे करते थे। उसके अलावा हम देख सकते हैं ये जो मुहर है, मुहर में ये नाव दिख रहा है हमें,
है ना, तो इसका मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, नदी या महासागर के सहारे जाने के लिए वो नाव का भी प्रयोग करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उस जमाने में यातायात के कौन से साधन थे। ठीक है, फिर नीचे भी एक इमेज है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। यहाँ पे जो पिक्चर है वो किस चीज का है, तो हल का है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ऊपर का पैरा, तो हमने देख लिया। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, जैसे आज के ज़माने में भी है। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। गांव में जो लोग रहते थे वो क्या काम करते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। ठीक है, पौधों के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, मतलब हमें प्लांट्स के कुछ रिमेन्स मिले हैं, ठीक है ना, जिससे हम कह सकते हैं कि वो लोग क्या क्या खाते थे। तो वो लोग खाते थे गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। ठीक है, सिर्फ खाते ही नहीं थे, उसे उगाते भी थे, मतलब उन्हें कृषि करना आता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। अगर और किस चीज़ का बनाए होते तो उसका साक्ष्य हमें मिल जाता, लेकिन हमें नहीं मिल पाया। लेकिन ये जो हम बच्चों का खिलौना है, इसको देख करके हम कह सकते हैं कि वे हल का प्रयोग भी किया करते थे, है ना। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों को कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। कौन कौन से जानवरों को पालते थे, तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा, क्या देखा था, कि ये जो हमारे उस वक्त के जो लोग थे वो सबसे पहले कौन से जानवर को डोमेस्टिकेट किए थे, तो वो था सबसे पहले जो आज जो कुत्ता पाया जाता है उसका जो जंगली पूर्वज हुआ करता था उसको उन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा गया कि वो कौन कौन से जानवरों को पालते थे, तो वो है गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। कौन से फल का सेवन करते थे, तो हो गया बेर। मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, अब गुजरात में जो पुरास्थल मिला है उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कहा गया है कि कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। यहाँ पे किसकी बात की गई है, तो धौलावीरा की गई है।
धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? कच्छ के इलाके में, खादीर बेद के किनारे। ठीक है, वहाँ पे साफ पानी मिलता था और जमीन कैसी थी? तो उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, हमने पहले ही देखा कि हड़प्पा के जो मोस्टली जो नगर थे वो कितने भागों में विभक्त थे? तो वो दो भागों में। लेकिन यहाँ पे जो धौलावीरा का नगर है वो कितने भागों में बटा था? तो वो तीन भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। ठीक है, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। ठीक है, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। इम्पॉर्टेंट है, यह एक अनोखा अवशेष है। क्यों इसको अनोखा कहा गया? क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाई जाती, जो हमने देखा भी, पिक्चर देखा था इसके पहले मुहर का, वो छोटा सा वस्तु था। लेकिन यहाँ पे जो हमें प्रमाण मिले हैं, कहाँ से? धौलावीरा से। वहाँ पे एक हड़प्पा की लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर पर खुदा तो पाया गया, मुहर भी पत्थर का बना होता था, लेकिन यहाँ पर पत्थर पे खुदा तो पाया गया, लेकिन उनको संभवतः किस चीज़ में जड़ा गया था? लकड़ी में जड़ा गया था। तो इसलिए यहाँ पे जो हड़प्पा की लिपि है वो एक बड़े से ऑब्जेक्ट में मिला है, जो कि एक अपने तरीके से वो बाकी जो वस्तुएं मिली हैं हड़प्पा नगरों से उनसे ये अलग है। इसलिए ये क्या है? ये अनोखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका? तो लोथल का। यहाँ पे लोथल के बारे में बताया गया है। तो लोथल के बारे में चर्चा करने से पहले यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पिक्चर को देख लेते हैं, जिसमें कि दर्शाया गया है लोथल के बंदरगाह को। क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? कि यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये जो बड़ा सा जो तालाब दिख रहा है ये क्या रहा होगा? तो लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, मतलब माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता होगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है इस लोथल के बारे में, अब हम लोग देख लेते हैं कि गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल का जो नगर है वो कहाँ स्थित है? तो हम कह सकते हैं ये गुजरात की खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी की एक उपनदी, जो कि मैंने आपको बताया उस उपनदी का नाम क्या है, तो भोगवा नदी है, है ना, उसी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ था। वहाँ से हमें क्या मिला है? तो कीमती पत्थर मिला है। ठीक है, यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल क्या था? एक महत्वपूर्ण केंद्र, मतलब इम्पोर्टेंट सेंटर था। किस चीज़ का? तो पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का, क्योंकि यहाँ से इसका आदान प्रदान सुदूर देशों में किया जाता था। इस नगर में एक भंडार गृह भी है। ठीक है, एक भंडार गृह भी है। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहर बंदी मिले हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या कहा गया है मुद्राकर और मुहर बंदी के बारे में, कि उसको किस तरीके से किया जाता था? तो घीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप को उन्होंने क्या कहा है? मुद्रांकन करना या मुहर बंदी करना। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है, कहाँ? लोथल में, जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। ठीक है, पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब जब हम जानते हैं कि ये यहाँ से हमें बहुमूल्य पत्थर भी मिला और बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनाई भी जाती थी धातु से और किस किस चीज़ों से बनाई जाती थी, जो कि अभी हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? पत्थर से, शंख से, धातुओं से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती थी, क्योंकि इसका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी हुआ करता था, है ना। तो वहाँ इसलिए हमें वहाँ पर एक ऐसा इमारत भी मिला है जहाँ पे मन के बनाने का काम होता था। और वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अधबने हालत में मन के मिले हैं, मन के बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं, और जो पूरी तरह से तैयार मन के हैं वो भी हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी की। क्या कहा गया है कि मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। ठीक है, मुहर की छाप को ही मुहर बंदी करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगर यह छाप टूट गई, टूटी हुई नहीं होती थी, ठीक है, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, क्योंकि वो एकदम उसी तरीके से वहाँ पहुँचा होता था जिस तरीके से उसको बंद करके सील करके भेजा गया था। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। हाँ, होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। हम कह सकते हैं ये मुहर का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। एक, जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए ही प्रयोग किया जाता था, है ना, मुहरबंदी करके, उसी तरीके से आज भी किया जाता है। कैसे, हम कह सकते हैं जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे जैसे कि हम बोल दें या CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो, ICSE बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड का हो, या फिर कमीशन का एग्ज़ाम हो, है ना, कमीशन करने वाले UPSC BPSC का एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम लेने के बाद जब वो लोग आंसर शीट को पैक करते होंगे, पैक करके उसको भी वो लोग सील करते होंगे, जिससे कि जब उसे जिस भी डेस्टिनेशन पे भेजना होता होगा, है ना, वहाँ पे पहुँचने पर भी हम पता कर सके कि उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हुआ हो। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा, हम मुहर का उपयोग हम किस तरीके से, आज के ज़माने में आपने स्टैम्प देखा होगा, है ना, स्टैम्प मतलब मुहर, मतलब जो कि पेपर वगैरह पे हम लोग मुहर लगाते हैं, तो उसके लिए भी ये हम लोग प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब, जो भी दस्तावेज वगैरह है उस पे हम लोग जो मुहर लगाते हैं, उससे पता चलता है कि उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या वो दस्तावेज सही है, असली है या नकली है, या फिर प्रमाणित है या नहीं है, है ना। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का हम आंसर इस तरीके से कर सकते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या किसी भी वस्तु को छेड़छाड़ मुक्त करने के लिए मुहर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था, तो 4700 साल पहले। ठीक है,
अब यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे लगभग 3900 साल पहले का बात किया गया है, मतलब उस वक्त हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। कैसे उसके उसका प्रमाण कैसे मिला, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कैसा बदलाव, कि अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात में भी काफ़ी कमी आई, मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता की जो पहचान है वो धीरे धीरे वो क्या हो रही है, वो खत्म हो रही है। यह सब क्यों हुआ, क्यों हुआ इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ विद्वानों ने अपना मत दिया है। क्या कहा है भाई विद्वानों ने, तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारा गा और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, तो इससे क्या हो गया होगा कि जंगल नष्ट हो गया होगा। फिर कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो पाया, क्योंकि बाढ़ और नदी के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, सब जगह तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 रीजन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। उसमें सबसे पहला है नदी सूख गई होगी, दूसरा है कि जंगल का विनाश हो गया होगा, है ना, और विनाश का यहाँ पे क्या रीजन है वो दिया हुआ है, और तीसरा है बाढ़ आया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। चौथा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जो भी हुआ वो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इन सब का क्या इफेक्ट हुआ था कि जो भी बस्ती थी, जो भी नगर, आरंभिक नगर जो भी बसाए गए थे, वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, तो वो उजड़ गया था और लोग जो है वो पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। पूर्व का इलाका कहने का मतलब, अगर हम पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है, पाकिस्तान से पूर्व की ओर, मतलब भारत में पूर्व की ओर, यानी कि गंगा नदी की तरफ उन्होंने प्लान कर दिया था, उसके अलावा साउथ में भी प्लान किया था, ठीक है। तो उसका उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, ठीक है ना। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग आगे वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। क्या कहा है, कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले, कहाँ, तो लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो, यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए क्या क्या ले जाएंगे, मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। जो भी हमने देखा मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाया गया है ना, उन सब का लिस्ट बना करके यहाँ पे हम लोग उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। आओ याद करें, अच्छा इसको करने से पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि उपयोगी शब्द क्या क्या दिया हुआ है, जो कि है क्या क्या है, नगर,
नगर दुर्ग लिपिक मोहर शिल्पकार धातु विशेषज्ञ कच्चा माल हल सिंचाई। ठीक है, इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेट्स भी दिया हुआ होना चाहिए, देखते हैं दिया हुआ है क्या। हाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो कि हमने इस चैप्टर में देखा हो, क्या है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कब की गई, तो लगभग 7000 साल पहले। ठीक है, नगरों का आरंभ कब हुआ, लगभग 4700 साल पहले, हड़प्पा सभ्यता के नगर जो हमें मिले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई, तो ये 3900 साल पहले हुई। ठीक है, ये हमने अभी लास्ट पैरा में देखा। अन्य नगरों का विकास कब हुआ, तो ये लगभग 2500 साल पहले हुआ। ये हमने देखा कि जो भी हड़प्पा के नगर समाप्त हो गए, उसके समाप्त होने के 1400 साल बाद, यानी कि अगर हम 3900 में अगर हम 1400 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2500 ही आएगा। और यही यहाँ पे कहा गया कि लगभग 2500 साल पहले अन्य नगरों का विकास हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फटाफट जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, जो पहला क्वेश्चन है वह है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। कपड़े का उपयोग होता था, हमें उस चीज़ का ज्ञात कैसे हुआ, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें वहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिले जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कपड़ों का उपयोग होता था। जैसे कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ वस्तुओं से चिपके मिले। ठीक है, ये हुआ पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण क्या था कि पक्की मिट्टी तथा फैन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, तीसरा, मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली है, जो हमने देखा पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी, है ना, तो उसमें जो इंसान को दर्शाया गया था वो एक कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ था। तो ये तीन तरीके के प्रमाण से हम कह सकते हैं कि पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था। ठीक है, अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेल करो, मैच करो, मैच द फॉलोइंग, क्या है, तांबा सोना टिन और बहुमूल्य पत्थर। वहीं दूसरी तरफ क्या है, गुजरात अफगानिस्तान राजस्थान कर्नाटक, जैसे कि मैंने आपको कहा था ये मैच द फॉलोइंग के रूप में भी आ सकता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तांबा है, तांबा को कहाँ से वो आयात करते थे, तो वो राजस्थान से करते थे। ठीक है, सोना कहाँ से करते थे, तो सोना कर्नाटक से करते थे। टिन कहाँ से करते थे, तो टिन अफगानिस्तान से करते थे। और जो बहुमूल्य पत्थर था वो कहाँ से आता था, तो गुजरात से आता था। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं लेखन पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, क्यों महत्वपूर्ण थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि धातुएं पुरातत्वविदों को धातु बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से धातु का प्रयोग से वस्तुएं में दिखी हैं, तो वह है तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, और अगर साथ ही साथ हम कह सकते हैं सोना और चांदी, उसका प्रयोग वो किस चीज़ के लिए करते थे, तो गहने और बर्तन बनाने के लिए करते थे, है ना। अब यहाँ पे हो गया बात धातु का, अब हम बात करेंगे लेखन का। तो लेखन के लिए हम कह सकते हैं कि लेखन का कार्य कौन करते थे, लिपिक करते थे, है ना। वे मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो कि बच नहीं पाई है। अब यहाँ पे तीसरा बात किस चीज़ का किया गया, तो पहिया का किया गया। तो यहाँ पहिया के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये पहिया सामान को ढोने तथा यातायात के रूप में पहिया वाहनों का उपयोग किया जाता था।
जैसा कि हमने देखा जो वहाँ पे खिलौना मिला था, है ना, जहाँ हमने बात किया बुल्लक कार्ट जैसा दिख रहा था, तो हम उससे हम कह सकते हैं कि उस वो लोग पहिया का उपयोग किस तरीके से करते थे। वो लोग पहिए का उपयोग सामान को ढोने तथा यातायात के रूप में उपयोग करते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा क्या है, हल। हल की बात करें तो हल का प्रयोग वो खेत को जोतने के लिए और बीजों की बुआई के लिए करते होंगे, है ना, क्योंकि हमें वहाँ पे साक्ष्य मिला है बच्चों के खिलौने के रूप में जो कि एक हल के शेप में था। तो उससे हम यह आकलन लगा सकते हैं कि वे हल का प्रयोग जोतने के लिए और बीजों की बुआई करने के लिए करते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आओ चर्चा करें। इस अध्याय में पक्की मिट्टी टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे? तो इसमें हम जो हमने देखी थी खिलौनों की तस्वीर, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो खिलौना था, एक तो था खिलौना गाड़ी, ठीक है, गुड़िया, विभिन्न पशुओं की आकृति के बने खिलौने जैसे कि गाय, बैल, सुअर, भैंस, है ना, फिर चिड़ियों की आकार की सीटियाँ, खिलौना हल, इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। शायद बच्चे इन खिलौनों से खिलौना गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौने या चिड़ियों के आकार की सीटी को उनको अधिक पसंद आई होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो निशान लगाकर बताओ। हड़प्पा के लोग क्या क्या खाते थे, हमने क्या क्या देखा, वे गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर, तिल, सरसों, फल के नाम पे हमने क्या देखा, बेर देखा, मछली भी खाते थे और हिरन का भी शिकार करते थे, तो संभवतः वो हिरन भी खाते होंगे। लेकिन क्या आज हम लोग हिरन खाते हैं, नहीं खाते हैं, इसको छोड़ के बाकी सभी चीज़ें हम लोग खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। हम क्या कह सकते हैं, क्या अंतर है कि हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार के फसलों का उत्पादन करते थे। ठीक है, जो कि हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि वो कौन कौन से फसल उपजाते थे। दूसरा हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरण जैसे हल आदि का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी भेजते थे ताकि जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे, है ना, क्योंकि हमने देखा बुल्लक कार्ट का प्रयोग भी करते थे, नाव का भी प्रयोग करते थे। तो मुझसे हम कह सकते हैं कि वो जो भी चीज़ उपजाते होंगे या फिर जो भी चीज़ बहुमूल्य पत्थर और धातु की चीज़ें बनाते होंगे उसका वो आदान प्रदान सुदूर देशों में करते होंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाकों में बनी हुई है, इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है। हर बच्चे अलग अलग जगह से होंगे तो वो इस क्वेश्चन का आंसर अपने अपने तरीके से करेंगे, तो इसमें सबका आंसर अलग होगा, तो इसे आप खुद करेंगे। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है, यह पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उनकी देखभाल कौन करता है। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से सभी बच्चे खुद से करेंगे। आगे कुछ है इसमें,
आगे अगला चैप्टर है जो कि है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर 3 है ये ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किया है उससे भी और भी क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।